हेलो एवरीवन, वेलकम टू हगर शिक्षा अगेन। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्लास 10 स्पेशली। तो रेशियोज का मतलब आपको पता ही है, एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो कि ट्रायंगल, उसके साइड्स और उसके एंगल्स के साथ डील करता है। यानी कि एक ट्रायंगल होगा, है ना, उसके साइड्स तो दिख ही रहे हैं आपको। इसमें एक एंगल होगा, है ना, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके साइड्स और इसके एंगल्स के साथ डील करता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमेटर होगा ही, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे उन सभी में एक आपको ट्रायंगल मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो उसमें आपको एंगल लेना है और इसके क्या फॉर्मूलाज हैं, कौन कौन से हम यूज करेंगे, वो हम अब लिखते हैं, ठीक है। और इनको एक एक आप भी लिखते जाना, एक एक करके, और याद करते जाना, ठीक है। पहले तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसको कुछ भी नाम दे लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो। ये हो गया थीटा, ठीक है। ये मान लो यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब देखो, पहला हो लिखते हैं हम साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, ये थीटा है ना। साइन थीटा अगर हम लेंगे तो ये क्या होगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक तो ये हमारा थीटा है। अगर हम साइन थीटा के वैल्यू चाहिए तो ये हमारा अपोजिट साइड है ना। थीटा का अपोजिट साइड कौन सा? ये सामने वाला ए बी, है ना। इसको आप लिख सकते हो ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस कौन सा है, 90 डिग्री का अपोजिट, ये वाला ए सी, है ना। ये हमारा हो गया साइन थीटा, ठीक है। नाउ हो गया कॉस थीटा, ये होता है हमारा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अगेन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कौन सा है? थीटा ये है, अपोजिट ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है, तो एडजेसेंट कौन सा हुआ? बी सी हुआ, है ना। तो इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, ए सी है ना। ये हमारा एच है, हाइपोटेनस, है ना। ये अपोजिट साइड है, इसको मैं ओ एस लिख देता हूँ। ये एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा, फिर हो गया कॉस थीटा, फिर हम लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, है ना। अगर हम इस फ्रैक्शन को ऊपर वाले को नीचे वाले फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ गया? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, है ना। तो इन सब चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, जो भी मैं बताते जा रहा हूँ एक एक करके। ये आपका बेसिक है, ये नहीं याद होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ अब लिखते हैं हम टेन थीटा हो गया, नाउ होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, है ना। इनको करके समझ के देखते भी जाओ, कुछ डाउट हो तो पूछना, कमेंट बॉक्स में देना। 1 बाई साइन थीटा यानी साइन थीटा का उल्टा। तो साइन थीटा हमारा क्या था? अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस था। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय अपोजिट साइड, है ना। इस पे वो जो क्वेश्चन करेंगे आपको इजी समझ में आ जाएगा, मगर ये सब चीजें आप पहले समझ लो, है ना। हाइपोटेनस अपोजिट साइड थी, एक कॉसेक हो गया। अब वैसे ही सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, ये कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट साइड, है ना, हाइपोटेनस बाई एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो ये सब आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, आपको बस साइन थीटा कॉस थीटा पता है तो आपको टेन थीटा ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जैसे ये सब मैंने मगअप नहीं किया है, मुझे बस साइन थीटा और कॉस थीटा पता है ना। क्या होता है ये फिगर, मुझे अच्छे से दिमाग में याद है। जो आप एग्जाम दे दो फिगर एक जरूर बना लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा और टीचर भी खुश हो जाएगा कि इसको पूरे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। तो कॉसेक थीटा जब आप लिख रहे हो, आपको पता है कि कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा होता है ना। तो आप इजिली निकाल सकते हो कि साइन थीटा हमारा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस है, तो इसका उल्टा हो जाएगा। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो इसलिए आपको इसके मगअप की जरूरत नहीं, पर बस थोड़ा सा समझ लो फॉर्मूला, है ना, इससे आपको सारा याद हो जाएगा। तो हमारा साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया, एक होता है कॉट थीटा, ठीक है। कॉट थीटा इज इक्वल होता है 1 बाई टेन थीटा, है ना।
मतलब जो भी हमने तीन लिए सबके इनवर्स करेंगे तो उसका भी कॉमन डिवीजन, साइन थीटा है तो उसका उल्टा करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा करेंगे तो वो हमारा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। तो टेन थीटा जो हमारा था उसका उल्टा हो जाएगा, ये मतलब कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा था हमारा अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड, है ना। एडजेसेंट साइड जैसे कि हमारा बी सी है ना, डिवाइडेड बाई अपोजिट साइड हमारा क्या है ए बी है, तो यहाँ ए बी लिख दो, है ना। तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया, तो ये आपको दिमाग में रखना है, इसको बार बार लिखना है खुद ही कॉपी में, 10 बार प्रैक्टिस करना है, कुछ भी डाउट होता है तो उसको समझना है, अपने साथ प्रैक्टिस करना है, समझना है ना। और कुछ डाउट होता है, लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स लिखना, मैं बता दूंगा, है ना। तो अब जाते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ साइन ऑफ ए, ठीक है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए हो सकता है, टेन ए हो सकता है, कॉट ए हो सकता है, कॉसेक हो सकता है, सेक हो सकता है ना, सबके फॉर्मूलाज पता है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। नाउ साइन ए इज इक्वल टू 3/5, है ना। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल लेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ पर एक ए ले लो क्योंकि साइन ए की बात हो रही है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है 3/5 लिखा है, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो अपोजिट साइड यहाँ पे क्या है हमारा 3 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस क्या होगा 5 होगा। अब हमें ये निकालना है ना, तभी हम कॉस और टेन निकाल पाएंगे ना। तो ये कैसे निकलेगा, वही पाइथागोरस थ्योरम है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, है ना। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये पूरा रूट अंडर एच, यानी क्या है हमारे यहाँ पर, ये है एच इज इक्वल टू 5 यानी ए सी, है ना। हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर 16, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 4, तो माइनस तो हो नहीं सकता, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 4, है ना। अब हमें क्या निकालना है कॉस ए, है ना। चलो ए बी इज इक्वल टू 4 याद रखना है ना, 5, 3, 4। अब मैं नेक्स्ट में फिगर बनाता हूँ फिर उसको समझाता हूँ कॉस ए और टेन ए कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा ट्राइंगल था, है ना, यहाँ हमारा हो गया था 3, यहाँ आ गया था 5, यहाँ आ गया था 4, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो सी, है ना। हमें क्या निकालना था कॉस ए निकालना था, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड 4 है, हाइपोटेनस 5 है, बस आपका कॉस ए आ गया। टेन ए निकालना है अगर, है ना, टेन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या होता है साइन ए बाई कॉस ए, या फिर साइन ए क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 3 डिवाइडेड बाई 4, है ना, ये भी आपका आ गया। जैसे अब टेन ए है इसमें कॉस ए क्या आएगा तो क्या करोगे, जैसे आ गया सॉरी कॉस ए के आ गया तो कॉसेक ए में क्या लिखोगे 1/sin a, है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया साइन ए का अपोजिट, साइन ए क्या था 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। अगर sec a आएगा तो कॉस ए क्या हमारा 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4, है ना। कॉट ए आ गया तो 1/tan a, tan a क्या है 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3, बस उसका उल्टा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप सिंपली कर सकते हो इस टाइप से, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ एक क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 फाइंड, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस ए के, ठीक है, प्लस टेन ए इंटू सेक ए, ठीक है। तो अब फिर से वही साइन ए
यानी ये क्या है, वन है, यहाँ हाइपोटेन्यूज थ्री है ना, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 माइनस 8 इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर वो 1 मिनट, नहीं नहीं सॉरी, इसको मैं फिर से कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए, फिर से कर देता हूँ। जैसे ये एडजेसेंट साइड है, इसको ए बी सी लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू, अब इसका मतलब ए बी स्क्वायर क्या हो गया, 3 स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, 9 माइनस 8 सॉरी 9 माइनस 1 है ना, तो ए बी क्या हो गया, रूट अंडर 8 है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, नाउ 2 4 8 होता है, तो 4 का रूट हम 2 ले सकते हैं और रूट 2 है ना, क्या हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 ठीक है। तो हमें ये भी मिल गया, तो हमें यही तीन चाहिए ना, चाहे कुछ भी निकालना हो तो। अब देखो कॉस ए क्या है, जैसे मैं फाइंड क्या करना है, कॉस ए के प्लस टेन ए से के है ना, तो कॉस ए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस इनटू, फिर क्या है, कॉस ए के यानी 1 बाय साइन ए, यानी साइन ए का उल्टा, यानी 3 बाय 1 हो जाएगा ये है ना, प्लस टेन ए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड हमारा क्या है, 1 है, एडजेसेंट साइड 2√2 है ना, इनटू सेक ए क्या है, 1 बाय कॉस, यानी कॉस ए का उल्टा, यानी कि एडजेसेंट साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड हो जाएगा 3 बाय 2√2 है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया, 3 3 कट हो गया इसमें है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 बाय 8 है ना, 2√2 × 2√2 क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 है ना, इसमें फिर आप 8 LCM ले लो, इसके बाद तो आप कर ही सकते हो, 16√2 + 3 है ना, तो √2 ये आपका इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा है ना, इसको आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इतना काफी है, इतना आप दे दोगे तो एग्जाम में इतना ही काफी है, ठीक है। इस ढंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इतने कुछ स्पेशल नहीं है ना। अब एक बात और कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन है, इफ टेन ए इज इक्वल टू √2 - 1 ठीक है, अब इसको खुद से करके देखो है ना, तब तक मैं भी कर रहा हूँ, प्रूव दैट साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू √2/4 ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो टेन ए इज इक्वल टू √2 - 1 लिखा है, यानी कि साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू √2 - 1 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, साइन ए क्या होता है, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेनियस, कॉस ए क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेनियस, तो यानी कि अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू √2 - 1। डायग्राम तो आपको हर बार बनाना ही, मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन आएगा है ना, ये हम बना लेते हैं, ये हम ए ले लिए, इसका अपोजिट साइड क्या है, ये है क्या है, √2 - 1 यानी √2 - 1/1, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड है √2 - 1 है ना, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1, एडजेसेंट साइड क्या है, 1 है ना, ये हमें निकालना है, इसको ले लो ए बी सी, तो ए सी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 1 + √2 - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 2 + ये क्या होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, -2√2 ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 3 4 -2√2 है ना, ये आपका ए सी आ गया, ठीक है, यहाँ पर देते हैं 4 - 2√2। नाउ साइन ए इंटू कॉस ए कितना होगा, तो साइन ए कितना हो गया हमारा, √2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 सॉरी डिवाइडेड बाई 4 - 2√2 इंटू कॉस ए क्या हो गया, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, यानी 4 - 2√2 है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया, √2 - 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या हो गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया है ना, या आप यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो, अगर यहाँ 2 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 - √2, यहाँ भी हो जाएगा 2 × 2 = 4 होता है ना, इंटू क्या है, 2 - √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा है ना, इसको अगले पेज में फिर से देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं ठीक है। अच्छा एक मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, ए सी इज इक्वल टू √ होगा ना,
देखो यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल हमने निकाल दिया है ना, बट AC इज इक्वल क्या हुआ, यहाँ रूट अंडर हो जाएगा, तो इन सब के नीचे भी यहाँ एक रूट लगा देंगे है ना, यहाँ भी एक रूट लगा देंगे है ना, तो यहाँ पे भी रूट हो गया, यहाँ भी रूट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एक मिनट इसको मैं कट कर रहा हूँ, √2 -1 तो है ही, नीचे में √√ मतलब जो अंदर वाला है वो आ जाएगा, यानी कि 4 -2√2 है ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज लिख रहा हूँ, समझ गए ना, डाउट वाला पूछना, AC इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, √2, AC इज इक्वल टू √√1 + √2 - 1 का होल स्क्वायर है ना, इज इक्वल टू मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया ठीक है। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा साइन ए इंटू कॉस है ना, ऊपर था ना साइन ए इंटू कॉस ए हमें निकालना था, तो साइन ए इंटू कॉस ए हमारा भी कितना आया है, √2 - 1 / 4 - 2√2 ठीक है, ये मैं अगले पेज में लिख रहा हूँ, साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू √2 - 1 / √√4 -2√2 है ना, साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू √2 - 1 / √2, ये हमारा आया था ना, इज इक्वल टू 4 - 2√2, तो √2 - 1, नीचे हमारा 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, 2 - √2 आ गया ये है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे 2 हमारा कॉमन आ गया तो 2 - √2 आ गया है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अगर सिंप्लीफाई करना सिंप्लीफाई भी कर सकते हो है ना, तो देखते हैं सिंप्लीफाई होता है कि नहीं, ठीक है √2 - 1 ओके। अब यहाँ पर √2 - 1 भी आ सकता है अगर हम चाहें तो है ना, √2 - 1 अगर हम लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 - √2 आ गया ना, यहाँ हम √2 बाहर निकाल लिए, तो इससे क्या होगा हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 1 / 2√2, क्योंकि ये तो आना ही है, जब हमें बोल दिया है प्रूव दैट है ना, तो हमें लास्ट में जो क्या लेके आना है, हमें लास्ट में लेके आना है √2/4, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर हम कर देते हैं इंटू 2 नहीं इंटू √2/√2 दो बार मल्टीप्लाई कर दो ठीक है, ताकि हमारा √2 ऊपर आ जाए है ना, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, तो हमें ये तो लाना ही लाना है, √2/, यहाँ पे क्या देगा 2 √2 √2 यानी 2 × 2 = 4, ये हमें लाना था है ना, तो ये हमारा आ गया, हैंस प्रूव्ड है ना ठीक है, तो इस ढंग से भी आप कर सकते हो है ना। चलो अगला कुछ टॉपिक देखते हैं जो बढ़िया लगे, इफ सेक ए इज इक्वल टू 5/4 ठीक है, इवेलुएट 1 - tan A ठीक है डिवाइडेड बाई 1 - tan A / 1 + tan A ठीक है 1 + tan A, तो sec A इज इक्वल टू 5/4 यानी कि 1 cos A इज इक्वल टू 5/4 यानी कि cos A इज इक्वल टू 5/4 का उल्टा 4/5। चलो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं जो हम हमेशा करते आए हैं, यहाँ पर A लिख लेते हैं जो हम हमेशा कर रहे हैं, B और C लिख लेते हैं एज यूजुअल, ये हमारा A हो गया, यहाँ हम क्या लिखेंगे 4, सॉरी यहाँ पे एडजेसेंट साइड है ना, cos A इज इक्वल टू 4/5 है ना, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये निकालना पड़ेगा हमें है ना, तो ये क्या होगा, तो देखो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 4² + BC² तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5² - 4² इज इक्वल टू हो गया √25 - 16 इज इक्वल टू हो गया √9 इज इक्वल टू हो गया +-3, बट आप +3 लिखोगे क्योंकि तो इसमें आपका प्लस में ही आना चाहिए है ना, ये भी आपका हो गया 3, तो BC हमारा क्या आ गया 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे ठीक है। अब हमें क्या निकालना है 1 - tan A / 1 + tan A है ना, तो tan A क्या होगा, तो tan A निकालते हैं, tan A इज इक्वल टू क्या हो गया अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड है 3 एडजेसेंट साइड है 4 है ना, तो 1 - tan A / 1 + tan A क्या हो जाएगा, यानी कि अगले पेज लिखते हैं 3/4 A, 3/4 है tan A याद रखना है ना, 3/4, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, tan A इज इक्वल टू हमारा आया है 3/4 ठीक है। अब हमारा क्या पूछ रहा है, 1 - tan A / 1 + tan A ठीक है इज इक्वल टू 1 - 3/4 ये होगा ना, डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 इज इक्वल टू 1 - 3/4 क्या हो जाएगा 1/4 है ना, 1 + 3/4 क्या हो जाएगा 7/4 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/7 है ना,
तो ये आपका इवेल्युएट हो गया। तो इन क्वेश्चंस को आप इस ढंग से कर सकते हो, है ना, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब मैं लिख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। ये आपको हमेशा याद रखना क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो आपके बुक में भी टेबल दिया होगा, जैसे यहाँ पे एक थीटा है ना, यहाँ ले लो 0 डिग्री, फिर एक ले लो 30, 45, 60, 90। ठीक है, ये आपको हमेशा ही याद रखना चाहिए। वैसे आप तो लिख के समझ जाओगे तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे साइन थीटा है ना, साइन थीटा यानी साइन जीरो, साइन जीरो आप लॉजिकली लगाओगे तो क्या होगा, साइन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपोजिट साइड पर हाइपोटेन्यूज होता है ना। जैसे आपका एक एंगल है ना, और अगर आपका ये 0 डिग्री है, यानी कि ये लाइन जो है ये इस लाइन के ऊपर ही अलाइन कर रहा है ना, यानी आपका ऐसा बन रहा है एंगल एक जैसा ओवरलैप, तो आपका अपोजिट साइड 0 आ रहा है ना, तो अपोजिट साइड में कुछ भी करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, है ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, वैसे ही आप 30 सफर निकाल के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत लंबी हो जाएगा ये वीडियो, 1/√2, √3/2, 1, ये आपको हमेशा कम से कम याद रखना है ना। ये आप याद रखोगे बाकी सारा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इक्वल क्या हो गया, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, अब हम कॉस थीटा लेंगे तो बस इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ लास्ट था, यहाँ 1 सबसे पहले आ जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो अगर आप साइन थीटा लिख दोगे तो बाकी सब अपने आप आ जाएगा। देखो कॉस हो गया, आप टैन लिखते हैं, तो टैन क्या होगा, ऊपर वाला डिवाइड बाय नीचे वाला, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस होता है ना टैन थीटा, तो टैन थीटा हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/1 क्या होता है, 0। तो ऐसे आपके सारे क्या आ जाएंगे, 1/√3, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि सेम इन्वर्टर डिनोमिनेटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड लिख सकते हो, है ना, अनडिफाइंड, क्योंकि ये 1/0 है, 1/0 तो अनडिफाइंड ही होगा ना, ये टेन थीटा आ गया। अब आपका क्या हो गया, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा, यानी कि इसका उल्टा, साइन थीटा का है जो भी साइन थीटा का वैल्यूज आ रहा है उसको उल्टा, 1/0 क्या होगा, ये सेम अनडिफाइंड। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसके बाद 2, फिर क्या आ जाएगा, √2, फिर क्या आ जाएगा, 2/√3, है ना, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो इस ढंग से आप पूरा का पूरा टेबल खुद ही से लिख सकते हो, है ना। sec थीटा cos थीटा का उल्टा, तो देखो cos थीटा का वैल्यू 1 का उल्टा 1 नहीं होगा, इस ढंग से 2/√3 हो गया, आगे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2, एंड देन हियर इट विल बी अनडिफाइंड, है ना। ऐसे क्या बच गया, cot थीटा बच गया, इसमें tan थीटा का उल्टा कर दो तो यहाँ पे वही हो जाएगा अनडिफाइंड, है ना। इसके बाद क्या आ जाएगा, √3, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1, 1/√3, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है हमने बस साइन थीटा का हमने याद रखा और बाकी सारा हमने खुद से लिख दिया है ना। तो अगर आप जो इसको कॉपी में करके देखना, पहले साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, उसके बाद सारे सारे खुद ही से डिराइव कर लो, है ना, तो सारे सारे आपको खुद ही मिल जाएंगे। इसको आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में बहुत यूज करना है, इसलिए आपको ये तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर लिख के अच्छे से 3-4 मिनट प्रैक्टिस कर लो और देखो सारा लिख सकते हो कि नहीं खुद से 5 मिनट के अंदर, है ना। ये नहीं कि आराम से लिख रहे हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम कम रहेगा। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है प्रूव दैट, ठीक है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो प्रूव दैट बहुत इजी चीज है, क्योंकि √3/2 आपको ऑलरेडी आंसर दे चुका है ना, तो आपका आंसर बस √3/2 आना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, या तो याद रखो या बॉक्स बनाओ, है ना, या प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 60 कितना होता है, हाफ, साइन 30 कितना होता है, हाफ, है ना, इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, √3/1 + 1 2 हो गया, √3/2, है ना, सिंपल आपका आंसर आ गया, इज इक्वल टू, दोबारा चेस राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव, है ना। तो इस ढंग के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसा करना है। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे है आपके पास फाइंड एक्स,
ठीक है, इन tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री, है ना। इन लिखो या है, इफ लिखो, है ना, इफ tan 3x इज इक्वल टू, तो चलो करके देखते हैं। tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, cos 45 की भी सेम ही होती है 1/√2, है ना, प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, है ना, इज इक्वल टू, तो ये 1/√2 इंटू 1/√2 क्या हो गया, रूट अंडर 4 यानी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो tan का कितना हम थीटा लेंगे कि 1 आता है वैल्यू, tan 45 इज इक्वल टू 1 आता है, है ना, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू 45, यानी x इज इक्वल टू 45/3 इज इक्वल टू 15, है ना, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो इस ढंग के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, है ना, तो ये भी आपको सारे आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सब प्रैक्टिस करना है ना, मैं तो एक ही बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। जैसे है फाइंड एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है, फाइंड एक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 + √3, ठीक है। तो इसमें आपको अब थीटा निकालना है, तो ये आप कैसे कर सकते हो, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो याद रखना है, इसमें हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा है, अगर नहीं पता बता देता हूँ, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ए हो गया, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, डिवाइडेड बाई, अब क्या आएगा, ए माइनस बी आना चाहिए ना, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू इस तरफ क्या आ जाएगा 1 - √3 प्लस 1 + √3 यानी 2, है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 1 - √3 - 1 - √3, है ना, तो यानी कि 1 - 1 तो कैंसिल हो गया, -2√3 बच गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2√3, 2 कैंसिल, है ना। अब ऊपर में देखो cos थीटा यहाँ माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, है ना, तो ऊपर क्या आ गया हमारा, ऊपर आ गया 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ गया -2 sin थीटा, तो माइनस को तुम ऊपर लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल टू वहां क्या आया था हमारा -1/√3, है ना, -1/√3 हो गया। अब क्या कर सकते हो, अब आपको जैसे कि cos बाय sin लिखा था, cos बाय sin क्या होता है, cot थीटा होता है, यानी कि -2 cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1/2√3, है ना, यहाँ पे लिख दोगे एक और क्या आ जाएगा, एक मिनट, माइनस हमारा दोनों साइड है तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, है ना, इसलिए ये माइनस भी यहाँ पर नहीं है ना, तो हमारा माइनस नहीं है, तो क्योंकि माइनस आएगा तो डाउट होगा, तो आपको खुद ही पता चलना चाहिए कि हाँ माइनस नहीं है, यानी कुछ गलती किया है ना, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1/2√3, है ना, 1/2√3, एक बार मुझे क्रॉस चेक करने दो, 1/√3, ओके, हाँ देखो जैसे यहाँ पे 2 cos थीटा था तो यहाँ भी 2 sin थीटा आएगा ना, नीचे sin थीटा 2 बार है ना, -sin थीटा -sin थीटा, यहाँ पर 2 बार आएगा, है ना, तो ये मुझे डाउट कैसे हुआ, क्योंकि 1/2√3 की वैल्यू इतना आसान नहीं है ना, हमने जो फॉर्मुलास पढ़े हैं उसमें 1/√3 पढ़ा है हमने, 1/2√3 नहीं पढ़ा है, इसलिए लॉजिकली आपको खुद समझ में आएगा कहीं कुछ गलती छोटी मोटी हुई है ना, तो ये आपका 2 यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, है ना, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3 आ गया, है ना, तो cot थीटा वैल्यू को याद है, नहीं याद है तो tan थीटा क्या होगा, इसका उल्टा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3, tan थीटा इज इक्वल टू √3, है ना, अगर इसका वैल्यू याद है तो आप लिख सकते हो मतलब tan 60 क्योंकि √3 होता है, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री,
नहीं तो आप यहाँ पे टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाई कॉस टर्म ले सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब बहुत सारे प्रोसीजर है ना। तो डिपेंड करता है आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम कम लगेगा एग्जाम में, इसलिए सारे क्वेश्चन एक एक बार प्रैक्टिस, एक एक बार के जितनी बार प्रैक्टिस हो सके करो, है ना। चलो अगले टॉपिक चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, ईच इज पॉजिटिव एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नहीं एक मिनट, कॉस ऑफ है बीटा प्लस गामा, ठीक है, माइनस अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड टेन ऑफ, ठीक है, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है, देन फाइंड अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो साइन ऑफ जिसको हाफ लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 30, है ना। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ क्या होता है 60, यहाँ वन किस में आता है टेन ऑफ 45, है ना। तो यानी कि साइन साइन तो यहाँ भी है, ये 30 जो है दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, मैं तीन इक्वेशन मिल गए, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू मिल गया 30, देन यहाँ पे क्या माइनस अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मिल गया 60, एंड देन अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू मिल गया 45, है ना। अब इससे आपको अल्फा बीटा और गामा निकालना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग तीनों इक्वेशन, या तो दो इक्वेशन का हेल्प लेके पहले निकालो, या तीनों इक्वेशन को प्लस कर दो, हाँ तीनों इक्वेशन हम प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, अल्फा जैसे है फिर है यहाँ पर माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा एंड यहाँ पर है अल्फा, है ना, तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हमारा एक अल्फा आएगा, है ना। ओके एक अल्फा आ गया, एक मुझे दूसरे पेज में लिखना था इसको, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू क्या है 30, देन यहाँ पर क्या है एक है माइनस अल्फा, है ना, फिर है प्लस बीटा और प्लस गामा इज इक्वल टू है 60, एंड देन एक है प्लस गामा, है ना, फिर है प्लस अल्फा, फिर माइनस बीटा इज इक्वल टू है 45, है ना, डिग्री डिग्री डिग्री, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट, ये है हमारा सेकंड, ठीक है, ये है हमारा थर्ड। अब देखो यहाँ अल्फा है, यहाँ माइनस अल्फा है, यहाँ बीटा है, यहाँ प्लस बीटा है, यहाँ गामा है, यहाँ यहाँ माइनस गामा है, यहाँ प्लस गामा है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों निकल जाएंगे, केवल बीटा रह जाएगा हमारा, है ना। तो देखो वन प्लस टू, इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो ये क्या देगा हमें, ये हमें देगा टू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि बीटा की वैल्यू तो हमें मिल गई 45 डिग्री, है ना। वैसे ही हम 2 प्लस 3 करके देखते हैं, 2 प्लस 3 करेंगे तो गामा गामा कैंसिल हो गया, बीटा भी कैंसिल हो गया, सॉरी अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, बीटा भी कैंसिल हो गया, 2 गामा इज इक्वल टू आ गया 105 डिग्री, दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू 2 5 10 2 to the 4 52.5 या 52 1/2, है ना, 52 1/2 लिख दो, है ना डिग्री। ऐसे ही अब हम करेंगे 3 प्लस 1 करते हैं, है ना, तो क्या होगा अल्फा 2 अल्फा, बीटा और बीटा कैंसिल हो गया, गामा भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 75 डिग्री, इसका मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 75/2, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 37.5 या फिर लिख दो 37 1/2 डिग्री, है ना। तो इस ढंग से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चन मतलब कि इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा अगर इसमें आप इंटरेस्ट लोगे तो, है ना। चलो आगे चलते हैं, अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा भी है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा पढ़ा था हमने, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपका है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉट थीटा,
ठीक है, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। जो भी हम पहले उल्टा पढ़ते थे ना, जैसे टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन होता है, तो इसमें आप 90 माइनस थीटा करोगे तो इसका आंसर है। साइन और कॉस का रखना पड़ेगा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। ये सब आपको आगे यूज होगा, इसीलिए इसको ध्यान रखना है। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। तो ये सारे भी आपको इम्पोर्टेंट है ना, ये सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अच्छे से कॉपी में लिख लो, खुद से करके देख लो, है ना, क्योंकि तो इसका मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की, जब क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सिंपल हो जाता है अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो, है ना। चलो वो भी करके देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है फाइंड कॉस 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 53 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू। तो कैसे करोगे इसको, हम लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 53, 37 होता है, डिवाइडेड बाई साइन ऑफ, इसको 53 रहना दो। अब ये क्या आ गया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन ऑफ 53 डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या है, साइन ऑफ 53 इज इक्वल टू, सीधे आपका आंसर 1 आ गया, एक लाइन में आपका आंसर आ गया, है ना। जैसे आपका है एक टेन ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, तो टेन ऑफ क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस 36 लिख सकते हो आप, है ना, डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 36, ऊपर क्या हो गया, टेन ऑफ 90 माइनस का कॉट क्या होता है, तो कॉट 36 आ गया, नीचे भी कॉट 36 है, इज इक्वल टू सीधे आपका 1 आ गया, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आराम से कर सकते हो, अगर आपको सारे फॉर्मूलाज याद हैं तो, है ना। चलो और दूसरे टाइप, जैसे है इवेलुएट, ठीक है, क्या इवेलुएट करना है, कॉट ऑफ 54 डिग्री डिवाइडेड बाई टेन ऑफ 36। सबसे पहले जो भी ऊपर नीचे उनको प्लस कर देखो, 90 आता है ना, तो बस समझ लो कि आप वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, जो हमने पढ़ा, टेन ऑफ 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ 70 डिग्री, तो 70 20 90 होता है, तो बस समझ लो कि हमें वही करना है ना, माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो कॉट ऑफ 90 माइनस 36, है ना, डिवाइडेड बाई, इसको सेम रहने दो तभी तो 1 आएगा ना, प्लस इसको आप क्या लिख सकते हो टेन 20 को, इसको आप लिख सकते हो टेन 20 को, आप टेन 20 ही रहने दो, डिवाइडेड बाई इसको आप क्या लिख सकते हो कॉट ऑफ 90 माइनस 20, है ना, माइनस 2, ठीक है, ये भी हो गया इज इक्वल टू। ये क्या आ जाएगा आपका टेन 36 डिवाइडेड बाई टेन 36 प्लस टेन 20 डिवाइडेड बाई टेन 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू आ गया आपका 0, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है इफ ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट रूट अंडर टेन ए, ठीक है, इंटू टेन बी, ठीक है, प्लस टेन ए इंटू कॉट बी, सारे रूट अंडर के अंदर, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन ए सेक बी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन ए, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी को 90 डिग्री लिया है, मतलब कि आपको कहीं तो उसको यूज करना है ना, तो देखो हम लेते हैं एल एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू, ठीक है, ये रूट अंडर पूरे में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो इस रूट अंडर को पहले तो हम बना ही देते हैं सही बड़ा सा, है ना, लेकिन रूट अंडर इतना बड़ा सा डरना नहीं है, है ना। अगर हमें राइट साइड टेन ए दिया हुआ है तो वो तुम्हारा आएगा ही आएगा, इतना तो श्योर रहो, है ना। तो चलो मैं टेन ए को टी ए लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टी ए, आप मत लिखना, ठीक है, टेन ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस ए, ठीक है, है ना, 90 माइनस ए हो गया ये, और क्या लिख सकते हैं फिर, प्लस टेन ए इंटू, इसको भी हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए हो गया,
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए, सेक बी को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस ए, मतलब जो भी बी था ना सारे बी को हम गायब कर दे रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर भी है तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 90 माइनस ए, है ना, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर है सारा रूट अंडर के अंदर है ना, कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर। नाउ ये क्या हो जाएगा टेन ए एंड देन हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए, 90 माइनस थीटा कॉट ए होता है ना, कॉट ए हो गया प्लस यहाँ क्या हो गया टेन ए इंटू यहाँ पे टेन ए है ना, दो बार आ जाएगा डिवाइडेड बाई साइन ए, सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक, तो ये हो गया कॉसेक ए है ना, माइनस साइन स्क्वायर, इसमें साइन 90 माइनस ए कॉस होता है तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा है ना, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए है ना, ये तो हमारा कट जाएगा यहाँ पे वन आ जाएगा है ना, यहाँ पे साइन ए और कॉसेक ए कट जाएगा है ना, ये भी हमारा वन आ जाएगा, यहाँ टेन और कॉट ए वन आ जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर ए है ना इज इक्वल टू रूट अंडर वन प्लस टेन स्क्वायर ए है ना माइनस वन, तो माइनस वन और वन कट गया इज इक्वल टू रूट अंडर टेन स्क्वायर ए, क्या हो गया टेन ए है ना, टेन ए हो गया ना, और यही हमारा आर एच एस था, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देयरफॉर प्रूव है ना, तो इस ढंग से इसको करना है, ठीक है। तो बस मैंने ट्राई किया मैक्सिमम टाइप के आपको क्वेश्चंस कवर कर दूं, पर क्वेश्चंस बहुत है और ये टेंथ एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, तो आपको सारे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं एक बार, जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए हैं वो सब मत करो, पर जो जो एग्जांपल्स दिए कम से कम वो सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन सारे कवर किए हैं ना, तो आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो है ना, और बाकी जो मैंने अभी तक नहीं कहा है लेकिन सब लोग कहते हैं है ना वो मैं आपको कह देता हूँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके, थैंक यू, बाय बाय।